Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for watching this video. Welcome to the Passionpreneur Show, episode 2. So I'm excited for this episode. इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिल्डिंग अ ब्रांड पे. जैसे कि इस वीडियो का, इस एपिसोड का टाइटल है हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड ऑन द इंटरनेट, कि हम इंटरनेट पे अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ब्रीफ होगी, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक एक घंटा जिन पर डिस्कशन हो सकती है. लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 5 से 8 मिनट में बहुत जल्दी, बहुत क्विकली आपको बहुत कुछ डिलीवर करूँ, ताकि आपको पता चले कि इंटरनेट पे आप कैसे एक ब्रांड बना सकते हैं, कैसे स्टार्ट लेते हैं, कैसे ग्रो करते हैं ब्रांड को, और फाइनली कैसे उस चीज़ को, एक छोटी सी चीज़ को आप एक ब्रांड की शक्ल दे देते हैं. तो मैं क्विकली स्टार्ट करूँगा. मैं आपको बताऊँगा 4 स्टेप्स इंटरनेट पे अपना ब्रांड बनाने के. तो टेक अ लुक. सो इंटरनेट पे ब्रांड बनाने का जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट. इसमें आप अपने, सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट जो है वो फाइंड करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वाकई आप करना क्या चाहते हैं. अगर आप क्लियर नहीं है अपने माइंड में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जिसको हम फाउंडेशन स्टेप्स भी कह सकते हैं, कि ये फाउंडेशन बिल्ड करता है आपकी, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी क्या प्रायोरिटीज होंगी, क्या आप क्या वाकई आप क्या करना चाहते हैं. तो अगर आपको इंटरनेट पे एक ब्रांड बिल्ड करना है तो आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें, कि आपको फैशन डिज़ाइन का शौक़ है, आपको राइटिंग का शौक़ है, आपको स्पोर्ट्स का शौक़ है, आपको क्रिकेट का शौक़ है, आपको नॉवेल्स का शौक़ है, आपको क्या शौक़ है. तो जो सेकंड स्टेप है वो है क्रिएट अ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट और सर्विस, क्योंकि वो आपकी चीज़ होगी तो इसलिए हम उसको कहेंगे कि ये आपकी प्रोडक्ट है, चाहे वो एक सर्विस ही क्यों ना हो. मेरी प्रोडक्ट है फ्रीलांस राइटिंग, क्योंकि मैं ये ऑफर करता हूँ और ये मेरा बिजनेस है, तो मेरी ये प्रोडक्ट है फ्रीलांस राइटिंग. लेकिन है तो एक सर्विस, लेकिन मैं तो इसको अपनी प्रोडक्ट कहूँगा, क्योंकि ये मेरी अभी फ़िलहाल ये मेरी मेन प्रोडक्ट है. तो इस तरह आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट करनी है अपनी, कि वो क्या चीज़ हो सकती है. वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो कोई ड्रेस हो सकता है, वो कोई और एक्सेसरीज हो सकती हैं, कोई फैशन एक्सेसरीज हो सकती हैं, कोई टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट हो सकती है, वो वट एवर इट इज़, कुछ भी हो सकता है. वो जो भी कुछ हो, आपको अपनी एक प्रोडक्ट क्रिएट करनी है. जो थर्ड स्टेप है वो है एंगेज द ऑडियंस. अब थर्ड स्टेप पे आपने ऑडियंस एंगेजमेंट करनी है. आप जो हैं थर्ड स्टेप पे हैं, यानी कि आपके पास आइडेंटिफाइड इंटरेस्ट है, कि आपका ये इंटरेस्ट है, आपको पता है. सेकंड स्टेप पे आपके पास एक प्रोडक्ट है आपकी अपनी, चाहे सर्विस है या प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है. सेकंड स्टेप पे आपके पास ये भी थी. अब थर्ड स्टेप पे आपने ढूंढनी है अपनी ऑडियंस, कि आप ऑडियंस तक अपनी प्रोडक्ट लेके जाएं इंटरनेट पे. तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, उसके लिए आपको अपना ब्लॉग यूज़ करना है, उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट यूज़ करनी है. हम स्टार्ट इस तरह करते हैं कि सबसे पहले वेबसाइट लॉन्च करते हैं अपनी जो भी आपकी सर्विस होती है. आप फॉर इंस्टेंस आप hasankhan.com ओपन करें, देखेंगे वो एक मेन वेबसाइट है, उसके साथ एक ब्लॉग का लिंक भी आपको मिलेगा. ब्लॉग का लिंक ये है कि जहाँ पे मैं पब्लिश करता हूँ ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल्स, वो कंटिन्यूसली पब्लिश होते रहते हैं उस पर. जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, वो तो एक दफ़ा स्टैटिक वेबसाइट बन गई 4 to 5 पेजेस की, उस पर कभी डाटा उस पर अपडेट हो गया. लेकिन जो मेन पब्लिकेशन है वो मेरा ब्लॉग है, जो ऑफिशियल ब्लॉग है hasanfan.com/blog. उस पर आप देखेंगे कि वो कंटिन्यूस एंगेजमेंट होती है, कंटिन्यूसली उस पर आर्टिकल आ रहे हैं, नया कॉन्टेंट आता रहता है उस पर. तो इस तरह आपने अपनी ऑडियंस को एंगेज करना है ब्लॉग के ज़रिए, अपनी वेबसाइट के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए. अब ये सारी चीज़ें कहने को तीन चीज़ें हैं, लेकिन ये पूरी बड़ी बड़ी स्ट्रेटजीज़ हैं ये. अब सोशल मीडिया को मैं ब्रीफली आपके ब्रांड के लिए जल्दी से आपको ये बता देता हूँ, कि आपने मिनिमम सोशल प्लेटफॉर्म्स चूज़ करने हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन,
या इवन के एक भी चूज करेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर है, जब आप क्योंकि आप अपने ब्रांड और अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं। अगर आपका फोटोग्राफी का पैशन है, फोटोग्राफी का आपका ब्रांड है, आप फोटोग्राफर हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म होंगे वो पिंटरेस्ट होंगे और इंस्टाग्राम होंगे। अगर आप वैसे किसी प्रोफेशनल सर्विसेज में हैं, आप एचआर में हैं, आप और किसी फील्ड में हैं, या आपकी कोई एजेंसी है, तो आपके लिए लिंक्डइन सबसे बेस्ट है। इसी तरह फेसबुक, ट्विटर तो ऑलमोस्ट सबके लिए होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाने के बजाय कम से कम प्लेटफॉर्म पे जाएं, ताकि आप वहाँ पे ऑडियंस को एंगेज कर सकें। असल जो आपका पर्पस है वो ऑडियंस एंगेजमेंट है, अच्छी वाली ऑडियंस एंगेजमेंट है। ये नहीं कि बस कभी 10 दिन बाद पब्लिश कर दिया कुछ, 10 दिन पब्लिश करना एंगेजमेंट नहीं होती है। एंगेजमेंट होती है कि आप कुछ शेयर करें ऑडियंस के साथ, चाहे वो आपका अपना कॉन्टेंट हो या किसी और का कॉन्टेंट हो, लेकिन ऑडियंस उस पर आए, कमेंट करे, लाइक करे, उसको शेयर करे, आपसे बातचीत करे, वहाँ पे डिस्कशन हो, ये एंगेजमेंट है। तो जब ऑडियंस एंगेज होती है, बातचीत करती है, कमेंट करती है, डिस्कशन करती है, तो फिर वो चांस ज़्यादा होते हैं कि वो आपके ब्रांड के बारे में और जाने, आपकी वेबसाइट पे आए, आपसे बात करें कि आपकी क्या सर्विसेज हैं, आपकी क्या प्रोडक्ट है। तो इस तरह ब्रांड्स सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, और इसी तरह आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। स्टेप नंबर 4 जो है वो है बिल्डिंग अ फनल। आपको एक सेल्स फनल बिल्ड करनी पड़ेगी 34 स्टेप पे। जब आपके पास आपका एक पैशन आइडेंटिफाइड है, आपने उसके बाद आपने अपनी एक प्रोडक्ट क्रिएट कर ली है, थर्डली आपने ऑडियंस एंगेज करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे, अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे। अब क्रिएटिंग अ फनल या बिल्डिंग अ फनल का क्या मतलब है? फनल का मतलब ये है कि एक आपने स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है अपनी वेबसाइट पे, कि वो आपका एक विजिटर आया है सोशल मीडिया से या आपके किसी आर्टिकल के ज़रिए, वो आपकी वेबसाइट के मेन पेज पे आ गया है। मेन पेज पे आ गया तो उसको पता चलना चाहिए कि उसको आगे कहाँ जाना है, अगर आपसे उसने कॉन्टेक्ट करना है या आपसे रब्ता करना है, आपकी प्रोडक्ट को बाय करना है या आपकी सर्विस को उसने ख़रीदना है या आपको हायर करना है। तो फनल उसको हम कहते हैं सेल्स फनल, कि आपने उसको वो उसमें से गुजार के आप लेकर आना है कि वो आपसे कांटेक्ट कर ले फाइनली। अब फनल क्रिएट करने के बेइंतहा तरीके होते हैं। कोई लोग CTA कॉल टू एक्शन बटन कहीं अपने अपने वेबसाइट के मेन पेज पे लगाते हैं। अगर आप को शायद एक पुरानी किसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, अपने आर्टिकल्स में मैं मेंशन करता हूं, मैंने एक दफ़ा अपने ब्लॉग पे हायर मी का CTA लगाया, यानी कि कॉल टू एक्शन बटन लगाया, तो वो मुझे इंक्वायरीज इतनी आना शुरू हो गई कि मुझे फिर अपने ब्लॉग पे किसी किस्म की प्रमोशन की, एफिलिएट मार्केटिंग की, गूगल एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स माशाल्लाह इतने आ चुके थे उस वक्त कि मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं बिला वजह एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग के एड्स लगाऊँ या गूगल के एड्स लगाऊँ। वो मैंने एड्स सारे हटा दिए थे, सिर्फ मैं क्लाइंट्स को डील कर रहा था अपने ब्लॉग के जरिए, सिर्फ एक कॉल टू एक्शन बटन लगाने की वजह से। वो भी टेक्स्ट का बटन लगाया था हायर मी बिल्कुल टॉप मेन्यू पे ऊपर। तो ये भी एक फनल बनाने का तरीका है। एक फनल का तरीका ये भी हो सकता है कि आप कोई साइनअप बॉक्स लगाएं कि लोग वहाँ पे आप अपडेट्स के लिए साइनअप करें, जिसको हम ईमेल सब्सक्रिप्शन कहते हैं, या आप सब्सक्राइब करें। तो फनल क्रिएट करना ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इसमें बहुत सिंपल चीज़ है। सिर्फ प्रोसेस इसका ये है कि एक डायरेक्शन में ऑडियंस को आप भेज दें। फनल ये भी हो सकती है कि आपने आपकी वेबसाइट के मेन पेज पे कोई लिंक लगा हुआ है, कोई टेक्स्ट लगा हुआ है, कोई बैनर लगा हुआ है, जो कि आपके विजिटर्स को आपके किसी दूसरे पेज पे भेज रहा है, तो ये भी एक फनल हो गई। अब दूसरे पेज पे भेज रहा है, वहाँ पे आपकी सर्विसेज मेंशन है, या कोई कॉन्टैक्ट अस का पेज है जिसके ज़रिए लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ये भी एक फनल बन गई है। तो ये 4 स्टेप्स जब आप अप्लाई करेंगे तो आप एक इंटरनेट पे अपना ब्रांड बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपको इंटरनेट पे अपना ब्रांड बनाना है तो आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके अलावा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई है, बहुत ही बेसिक स्टेप्स बताए हैं। इनके टेक्निकल आस्पेक्ट्स में मैं नहीं गया, लेकिन ये अगर आपको ये बेसिक चीज़ समझ में आ जाती है
तो आप बहुत कुछ खुद भी कर सकते हैं, बहुत बहुत इनोवेशंस भी कर सकते हैं और नई नई चीज़ें अप्लाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगी जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है या आपको सही तरीके से समझ नहीं आई, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पर पूछिएगा चीज़। मैं कोशिश करूँगा कि आपको और बेहतर तरीके से कमेंट्स में रिप्लाई कर सकूँ, क्योंकि मैंने अपना ब्रांड बिल्ड किया है hasanfan.com, मेरा फ्रीलांस राइटिंग का ब्लॉगिंग से रिलेटेड मेरा ये ब्रांड है, तो मैं चाहता हूँ और भी लोग बिल्ड अपना ब्रांड बिल्ड करें इंटरनेट पे। तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप दीजिएगा इस वीडियो को और hasanfan.tv को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको द पैशनप्रेन्योर शो की सेकेंड एपिसोड पसंद आई होगी और मैं आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह थर्ड एपिसोड में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप गिविंग थम्स अप। अल्लाह हाफिज़।